अस्सलाम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप नहीं कैसे हैं? ज़बरदस्त डॉक्टर साहब, मदर्स डे आ रहा है, उसके वजह से हम आपकी एक राय लेना चाहेंगे। मदर्स डे तो आजकल के दौर के हिसाब से हमने तायुन कर दी है, लेकिन माँ की अज़मत अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी वालदैन की हमें बताई है, और अगर हम कुरान मजीद का मुताला करें उसमें हमें ये बड़ी बात है वाजह तौर पर बताई गई है कि अगर आप वालदैन में से दोनों में से किसी एक को भी पाओ तो उनके सामने उफ तक ना हाको। लेकिन कुरान मजीद ने ये वर्ड यूज़ किया है उफ सी वाला तनहा तुम्हारा, कि अगर तुम दोनों में से एक को भी पाते हो तो उफ तक ना हो। ये उफ तो हमें समझाने के लिए है, तो ये बड़ा छोटा सा वर्ड है उफ, किसी को तकलीफ पहुँचे। और जो है वालदैन, वो तो जिन्होंने हमें इस दुनिया में लेकर आए हैं, अगर हम सारी ज़िंदगी भी जो है उनकी खिदमत में गुजार दें तो उनके हम हक अदा नहीं कर सकते। एक वाक़या छोटा सा मुझे जेन में आया कि एक साहबी थे गालबन या जो भी थे, उन्होंने आप सल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, या सल्लम मैंने अपनी माँ को जो है हक अदा कर दिया और कन्नों पर उठा कर जो है ना हज करवाया है। आप सल्लम ने फरमाया कि तुमने अपनी माँ का हक अदा नहीं किया। तीन दफ़ा आप सल्लम ने यही बात रिपीट की। आप सल्लम ने फरमाया कि तुम उस रात का भी माँ का बदला नहीं दे सकते जब वो तुम पेशाब कर देते थे और वो तुम्हें खुश्क जगह पर कर देती थी और खुद गीली जगह पर सो जाती।